उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा फलस्तीनी शहरियों के लिए इस मुल्क की इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि ये इमदाद फलस्तीनी इंतजामिया या हमास के हाथ में नहीं जाएगी और हम इस मामले की पैरवी करेंगे। कैनेडियनों को इसराइल से निकालने के लिए फौजी परवाजें इस हफ्ते शुरू होंगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो येलो नाइफ में आग से तबाह हाल शुमाल मगरबी इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो जानते हैं कि मुतादिद बहरानों का सामना करना कैसा महसूस होता है। ट्रूडो हाउसिंग मंसूबे का ऐलान भी करेंगे। कैनेडियन हुकूमत ने हमलावर आतिशी असलहे के लिए माफी के हुक्म को अगले इंतखाबात तक बढ़ा दिया। वादा शुदा बायबैक प्रोग्राम कायम करने के लिए मजीद 2 साल का वक्त दिया है। रवा महीने के आखिर में खत्म होने वाली आम माफी अब 30 अक्टूबर 2025 तक बरकरार रहेगी। बहरे ओकियानूस की तह से टाइटन आबदोज का बकिया मलबा और इंसानी बाकियात निकाल ली गई। तिबी माहरीन मुबैना इंसानी बाकियात का तजिया करेंगे। मलबे में आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जानब मौजूद हॉल भी शामिल था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल कर लेते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ki wazir kharza Melanie Jolie ne kaha hai ki Canadianon ko Israel se Athens nikalne ke liye fauji parwaze is hafte shuru ho jayengi. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने कहा है कि कैनेडियनों को इसराइल से एथेंस निकालने के लिए फौजी परवाजें इस हफ्ते शुरू हो जाएंगी। दरी असना आटोवा ऐसे कैनेडियनों को लाने के लिए काम कर रहा है जो गजा और मगरबी किनारे से मुमकिन तौर पर उर्दन के रास्ते तल अवीव नहीं जा सकते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जूली ने कहा कि वो सिफारती सराय के जरिए भी तनाजात को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। अहले खाना ने इसराइल में हलाक होने वाले 3 कैनेडियन बाशिंदों की शनाख्त कर ली। जूली ने 2 के मारे जाने की तस्दीक की है और 1 तीसरा हलाक हो गया है। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा के मुताबिक खत्ते में 3 दीगर कैनेडियन लापता हैं। जूली ने कहा हुकूमत लापता कैनेडियंस की रिपोर्ट्स पर अमल कर रही है और उनके अहले खाना को मदद फराहम कर रही है और मकामी हुक्काम से रابطے में है। मेलानी जूली ने यह बताने से इनकार किया कि आया हमास के हाथों यरगमाल बनाए जाने वालों में कैनेडियन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा के माहिरीन अपनी यरगमालियों से मुतालिक महारत फराहम करने के लिए इसराइल जा रहे हैं। कनाडा के मुसल्ला अफवाज 2 CC-150 एयरबस तैयारे खत्ते में कनाडा के शहरियों को इसराइल से एथेंस ले जाने के लिए भेज रही हैं, जहां एयर कनाडा का एक मरकज है। ग्लोबल अफेयर्स उन परवाजों पर पहुंचने वाले कैनेडियंस की मदद के लिए यूरोप से अमले को एथेंस और तल अवीव भेज रहा है और हंगामी रद्द अमल, राब्ताकारी, काउंसलर मुआवनत और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने के लिए अपनी स्टैंडिंग रैपिड डिप्लॉयमेंट टीम को खत्ते में तैनात कर रहा है। जारी करदा एक बयान में ग्लोबल अफेयर्स ने कहा कि उसके मिशन जब तक सिक्योरिटी हालात इसकी इजाज़त नहीं देते हैं खुले रहेंगे। दूसरी जानिब कनाडा का कहना है कि यह फलस्तीनियों के लिए तकरीबन $40.5 मिलियन की इंसानी इमदाद जारी रखेगा। बैनुल अक्वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मस्कूरा इमदाद फलस्तीनी शहरियों की तरक्की के लिए थी। बयान में कहा गया है कि फलस्तीनियों के लिए तकरीबन $40.5 मिलियन मालियत की इंसानी इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा और ये इमदाद
ऑक्सफैम और रेड क्रॉस जैसी बैन अलावी तंजीमों के जरिए फराहम की गई है। बयान में कहा गया है कि ये इमदाद फलस्तीनी इंतजामिया या हमास के हाथ में नहीं जाएगी और हम इस मामले की पैरवी करेंगे और इस बात पर जोर दिया गया कि ये मुकम्मल तौर पर फलस्तीनी शहरियों के लिए है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो येलो नाइफ में आग से तबाह हाल शुमाल मगरबी इलाकों का दौरा जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो येलो नाइफ में आग से तबाह हाल शुमाल मगरबी इलाकों का दौरा जारी रखे हुए हैं। ट्रूडो हाउसिंग का ऐलान करने वाले हैं और फिर येलो नाइफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ गोल मेज मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। इस इलाके के 20,000 रिहायशियों को जंगल की आग की वजह से गर्मियों में 3 हफ्तों तक अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। आग के शोले शहर में दाखिल नहीं हुए लेकिन एंटरप्राइज में ज्यादातर इमारतों और घरों को तबाह कर दिया जो कि दरियाए हैया के करीब 100 अफराद पर मुश्तमिल है। ट्रूडो ने बुध के रोज इस इलाके का दौरा किया। जले हुए घरों और गाड़ियों के दरमियान चहलकदमी करते हुए उन्होंने हुक्काम से बात की। इस इलाके में इसकी तकरीबन 70% आबादी जंगल की आग से बेघर हुई और आग के मौसम में रिकॉर्ड मकदार में जमीन जल गई। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो जानते हैं कि मुतअद्दिद बहरानों का सामना करना कैसा महसूस होता है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वबाई बीमारी, यूक्रेन में जंग, भारत इसराइल, अब ये ऐसा ही है। ठीक है, हम अभी ऐसे वक्त में हैं जहां हम सब सीख रहे हैं कि किस तरह जवाब देना है। कैनेडियन हुकूमत ने हमला आवर आतिशी असलहे के लिए माफी के हुक्म को अगले इंतखाबात तक बढ़ा दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ने हमला आवर आतिशी असलहे के लिए माफी के हुक्म को अगले इंतखाबात तक बढ़ा दिया है। वफाकी लिबरल हुकूमत ने खुद को 2020 के मोहलिक नोवा स्कॉटिया शूटिंग हंगामा आरआई के तनाजे में आतिशी असलहे के लिए एक तवील मुद्दत से वादा शुदा बाई पैक प्रोग्राम कायम करने के लिए मजीद 2 साल का वक्त दिया है। आम माफी की मुद्दत जो महीने के आखिर में खत्म होने वाली थी अब 30 अक्टूबर 2025 तक बरकरार रहेगी जबकि अगले वफाकी इंतखाबात होने वाले हैं। बुध के रोज अमले ने खामोशी से पब्लिक सेफ्टी कैनेडा की वेबसाइट पर इस अपडेट को शामिल किया जिससे आतिशी असलहे के मालकान और खुर्दा फरोशों की नुमाइंदगी करने वालों के लिए रिलीफ और बंदूक पर काबू पाने के हामियों की तरफ से तश्वीश पैदा हुई। आम माफी का इतलाक उन लोगों पर होता है जो 1500 से ज्यादा मॉडल्स और हमला तर्ज की आतिशी असलहे के मुख्तलिफ किस्म के मालिक हैं जिन पर ओटावा ने पाबंदी आयद की थी ये कहते हुए कि AR-15 जैसी बंदूकों की कनाडा की कम्युनिटीज में कोई जगह नहीं है। लिबरल्स ने बायबैक प्रोग्राम के जरिए इस तरह के हथियार रखने वालों को मुआवजा देने का वादा किया और आतिशी असलहे के मालकान को जाब्ता फौजदारी के तहत 2 साल की आम माफी दी। एक मुख्तसर बयान में पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमैकली ब्लैंक ने तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत आतिशी हथियारों की वापसी का प्रोग्राम शुरू करने के लिए पुरअज़म है जो कानून की पासदारी करने वाले बंदूक के मालकान को अपने आतिशी असलहे में तब्दील करने और मुआवजा अदा करने की इजाज़त देगा। हमास के तूफान अलक्सा ऑपरेशन में इजरायली हलाकतों की तादाद 1,300 हो गई जबकि गजा पर हफ्ते से जारी इजरायली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1,354 तक पहुंच गई और 6,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी कोस्ट गार्ड के इंजीनियर्स ने जेरे समंदर जाने वाली टाइटन आबदोज का मलबा और मुबैना तौर पर इंसानी बाकियात निकाल लें। तिबी माहरीन मुबैना इंसानी बाकियात का जायजा लेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कोस्ट गार्ड के इंजीनियर्स ने जेरे समंदर जाने वाली टाइटन आबदोज का मलबा और मुबैना तौर पर इंसानी वाकयात निकालनी। तिबी माहरीन मुबैना इंसानी वाकयात का जायजा लेंगे। समंदर की तह से मिलने वाली टाइटन के बाकी हिस्से को अमरीकी बंदरगाह मुंतकिल किया गया जहाँ तिबी माहरीन मुबैना इंसानी वाकयात का तजिया करेंगे। तफसीलात के मुताबिक बहरे ओकियानूस की तह से टाइटन आबदोज का बकिया मलबा और इंसानी बाकियात निकाल ली गई। खबर रसा एजेंसी ने बताया कि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के इंजीनियर्स ने टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जेरे समंदर जाने वाली टाइटन आबदोज का मलबा और मुबैना तौर पर इंसानी बाकियात निकालनी है। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक मलबे में मुमकिन इंसानी बाकियात को भी एहतियात से अलग किया गया है और उन्हें तजिए के लिए तिबी माहरीन को भेज दिया गया है। अमरीकी कंपनी ओशियन गेट की आबदोज जून में टाइटैनिक के मिशन के दौरान तबाह हो गई थी। इस आबदोज में ओशियन गेट कंपनी के CEO, एक बरतानवी अरबपति मुहिमजो, एक फ्रांसीसी डाइवर के अलावा पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान सवार थे। टाइटन आबदोज में सवार अफराद आबदोज के फटने से हलाक हो गए थे। याद रहे रवा साल जून में अमरीकी कोस्ट गार्ड ने दावा किया था कि टाइटन आबदोज के मलबे से इंसानी बाकियात मिली हैं जिसके बाद उसको बाहर निकालने का मिशन जारी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबदोज के मलबे को कनाडा के सेंट जॉन्स शहर की बंदरगाह पर लाया गया है। मलबे में आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जानी मौजूद हॉल भी शामिल था।
टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।